कॉफ़ी का रेड स्नैप प्रोजेक्ट जो बहुत एंटीक्यूबेटेड है, इसमें आप लोग कह रहे थे कि ये बड़ी जो है वो टाइम टू अपडेट नहीं आ रही। इसकी इंजन जो है वो फिट हुआ हुआ है, डैशबोर्ड आप देख सकते हो, डैशबोर्ड लग गई है। अभी ये हम सारा वायर अप कर रहे हैं और इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो फंक्शनल करके तो वो लगा रहे हैं। हार्ड टॉप इसका फिट हो चुका है और अभी इसमें जो है अंदर से सारा प्रोसेस वर्क एंड के ऊपर होगा। पेंट जो है वो हम एंड के ऊपर करेंगे, बस ये थोड़ा कि उसकी नीट लुक और फिनिश आए। तो बाकी इसकी रबर और वो सारी चीज़ें जो हैं जहाँ जहाँ जो जो कुछ आना है वो सारा हम फिट कर रहे हैं। तो ये होपफुली जो है इसको हम काफ़ी स्पीड से लगे हैं, ये आप देख सकते हैं सर, इंजन वगैरह फिट हो गया है। और बाकी अभी इसके छोटे छोटे काम रहते हैं, मेन ये है कि वायर अप करके सस्पेंशन सारी फिट है, टायर्स अभी हमने फिट करने हैं। तो इसमें ये है कि ये जैसे ही वायरिंग कंप्लीट हो जाती है और गाड़ी हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसकी पहले हम टेस्ट ड्राइव वगैरह लेंगे, स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह इसको जो है वो टेस्ट ट्रायल करके, फिर सारी चीज़ें इसकी जो हैं वो फिट करके तो इसको हम फाइनल स्टेजेस के ऊपर पेंट के ऊपर लेके जाएंगे। तो होपफुली ये है कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर इसकी जो है वो एक अपडेट आएगी और इंशाल्लाह जो है उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें करीब करीब होंगी, कंप्लीट हुई भी होंगी। तो ये इसकी अपडेट है। इसमें कुछ चीज़ों में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, वो ये था कि इसमें जो है हमें इसकी ये स्प्लिट विंडो नहीं है, इसकी ये कंप्लीट विंडो है और जो रबर वगैरह मैंने मंगवाई थी वो इसमें स्प्लिट विंडो की आ गई थी और वो खुल रही थी, तो वो फिर मैंने रिटर्न की है। उसमें ये था कि वो इसमें पूरी नहीं आ रही थी, तो वो इंशाल्लाह चेंज करेंगे। चेंज करके तो हार्ड टॉप की भी फिटिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी, काफ़ी हद तक सामान इसका जो है वो लग चुका हुआ है, जो रह गया वो लगने वाला है। तो ये भी आप देख सकते हैं, फ्रेम को हमने कोशिश की थी ख़राब करके बचाने की, ताकि ये है कि उसको दोबारा से जो है वो हमने कंप्लीट उसको कर लिया था, दोबारा हमें ना करना पड़े। तो सीट्स का हमें एक थोड़ा सा इशू आ रहा था, सीट्स हम उसमें BMW की फिट कर रहे थे, उसका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो हमारी उसके साथ मैच नहीं हो रही थी, तो वो हमें मोस्ट प्रॉब्ली सीट्स चेंज करनी पड़ेंगी। बाकी ये है कि डिस्प्ले इसमें जो है एंड्रॉयड डिस्प्ले आएगा सामने, और इसका बाकी चीज़ें जो भी मतलब वो हैं इसमें, हमने एंड्रॉयड हो गया, इसकी जेन्युइन क्लॉक आ जाएगी, साइड पे इसकी लाइट आएगी, मीटर और इसमें RPM मीटर लगेगा। तो ये इसकी अपडेट है, सारी वायरिंग हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं।
ਨਿਊਜ਼ਲ ਫਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਫੁੱਟ Project Red Snapper moving for the first time. Assalamu alaikum, Bruiser Company Pakistan. आज हम Red Snapper के cockpit में बैठे हुए हैं. Finally जो है वो गाड़ी हमारी स्टार्ट होके रोड के ऊपर आ गई है. इट्स मूविंग और बड़ी एक्साइटमेंट का लेवल नेक्स्ट लेवल हुआ है. तो अभी टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं, तो आ जाए मेरे साथ. अभी आप देख सकते हैं जी, इसमें आज सच कोई भी चीज़ जो है अभी फिट नहीं हुई. जस्ट अभी हमने गाड़ी निकाली है सिर्फ टेस्ट ड्राइव के लिए. तो अभी बड़ी ओपन एयर मजदार जो है वो वाइफाएँ आ रही हैं, विंडस्क्रीन है, वो अभी कुछ भी फिट नहीं हुआ हुआ. तो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं हम, गाड़ी मज़ा दे रही है. तो अरे मज़े, टेस्ट ड्राइविंग द रेड स्नैपर. इसकी यार हम आवाज़ सुनने के लिए और ट्राई लेने के लिए कुछ साल डेढ़ साल से जो है अब बस तरस गए हुए थे. तो फाइनली अब जब रोड पे आई है तो बड़ा मज़ा करा रही है. फील्स कमाल है और सीन्स भी कमाल है. तो मज़ेदार सीन्स है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है. तो सारी वीडियोस इंशाल्लाह जो है वो और भी आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह. साउंड बड़ी मज़ेदार है 1KZ की. ऑटो के साथ फील बड़ी मज़ेदार है. टोटल रिस्पांस बड़ा फिट है. तो मज़ा आ रहा है, ड्राइव ने बड़ा मज़ा दिया. अभी छोटे छोटे इक्विप्स रहते हैं, जैसे गियर अभी हमने जो है वो इसका करना है फिट. और छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें अभी रहती हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑन रोड. टेस्टिंग हम कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो मज़ीद जो है वो वीडियोज़ आपका शेयर करते जाएँगे.